हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम करेंगे क्विक डिस्कशन चैप्टर नंबर सेकंड, हमारी जो तमिलनाडु की बुक है उसका, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हरप्पन कल्चर। देखिए, ये चैप्टर करने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, उसके बाद में ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हरप्पन सभ्यता, हरप्पन कल्चर। उसके बाद में आपको मिलेगा कि हरप्पन सभ्यता में जो लोग थे उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे, उनकी कैसी लाइफ थी, कैसी जिंदगी थी, और लास्ट में आपको मिलेगा कि ये सभ्यता ख़त्म क्यों हो गई, और कुछ क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। देखिए, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन है। वैसे तो एनसीईआरटी में भी मिलते हैं हर चैप्टर के बाद में, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बैड हैबिट जो है वो ये है कि हम उन क्वेश्चन को करते नहीं हैं, हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ ये बाद वाले शब्द को सबसे पहले लेके आइए और उनको स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, वरना फिर बहुत देर हो चुकी होगी और वही क्वेश्चन आपको आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसे किसी भी चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल उनको सॉल्व कीजिए आप, क्योंकि अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से उनको उनका जवाब दे पाएंगे, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे फिर जवाब भी देंगे। देखिए, लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसे पीरियड को कहा जाता है जिस पीरियड के बारे में हमारे पास कोई लिखित उल्लेख ना हो, जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, उसे ही हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब देखिए, उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, स्टोन टूल्स का, पत्थर से बने हुए औजारों को यूज करते थे, पोटरी का यूज करते थे, पोटरी का मतलब होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पोटरी कहा जाता है, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है मानव निर्मित जो भी बर्तन होते हैं, मतलब मानव के द्वारा बनाए हुए, ठीक है, और फिर होते हैं मेटल इम्प्लीमेंट, मतलब मेटल के जो बर्तन होते हैं, मेटल धातु से बनाए हुए जो होते हैं। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, देखिए लिथिक जो वर्ड है ना इसका मतलब पत्थर होता है, स्टोन होता है, मेजोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज और मेटल एज, ठीक है। और देखिए, दो टेक्निक है, आप बिल्कुल इनको याद रखिए, जो टाइम पीरियड को पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है उसके लिए यूज की जाती है, एक है कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि इस टेक्निक में कि लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पौष्टिक तत्व जो होते हैं ना किसी मैटर में, मतलब कार्बन उस ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन जो है वो कितना लॉस है, कितना कम है, मतलब एक ऐसे टेक्निक होती है, तो बस आप ये याद रखिए कि इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये क्या होता है, देखिए पेड़ जो होता है ना, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड, मतलब लकड़ी के अंदर रिंग्स पाई जाती हैं, तो उनके नंबर ऑफ रिंग्स पता करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तो आप बिल्कुल कि कोई चीज़ कितनी क्या पुरानी है, और ये मैप दिया हुआ है, अगर दिखाई देता है आपको मैप तो अच्छी बात है, और नहीं अगर दिखाई देता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैप को मैंने वैसे इनकी जो, मतलब जो भी साइट्स हैं मैप में दी हुई हैं वो सारी मैंने वैसे यूज की हुई है, ठीक है गाइज, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं, तो देखिए 10,000 BC से पहले का जो पीरियड था, BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और BC AD CE इन सब के बारे में एक 2-3 मिनट का एक चैप्टर बना लेंगे डिफरेंट, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पैलियोलिथिक टाइम में क्या होता था कि जो साइट होती थी जहाँ पे लोग रहते थे, वो मेनली पैलियोलिथिक की ही वैसे बात नहीं है, हर साइट की बात ऐसी ही होती है कि वहीं पे शहर बसाए जाते थे, वहीं पे लोग रहते थे जहाँ पे पानी बहुत पास में होता था, ठीक है, क्योंकि पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो झोपड़ियाँ बना के रहते थे, जैसे पत्तियों से बना ली, घास फूस जो होता है उनसे बनी हुई झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। और कुछ फेमस साइट हैं, देखिए सारी साइट तो आप याद नहीं रख सकते, जैसे पोटवार प्लेट्यू हो गया, सोनम वैली हो गया, सोन वैली हो गया, शिवालिक हिल्स हो गया, भीमबेटका हो गया, नर्मदा वैली जो है आदमगढ़ हिल्स वहाँ पे, कुरनूल हो गया आंध्र प्रदेश में, फिर अटीरामपक्कम हो गया चेन्नई के पास में है, सब अगर साइट आपको याद नहीं होती तो आप ये याद रखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश आपको पता है इसके बारे में, ठीक है, फिर थोड़ा सा सोन वैली के बारे में देख लिए, कुरनूल पता हो गया, इतना काफ़ी है, क्योंकि एलिमिनेट कर पाएंगे आप तभी जब आपको थोड़ा बहुत कुछ पता होगा तभी, वैसे तो ट्राई कीजिए आपको सारा पता होना चाहिए। और उस टाइम पे देखिए, जो फूड मतलब भोजन जो लोग करते थे वो ज़्यादातर जानवरों को मार के अपना भोजन बनाते थे, मतलब जानवरों को
अपने भोजन मतलब एज ए सोर्स यूज करते थे। स्टोन इम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो उस टाइम में हार्ड रॉक का यूज किया जाता था जिसको क्वार्टजाइट कहा गया। ठीक है गाइज, और देखिए पैलियोलिथिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भीमबेटका में आपको बहुत मतलब पेंटिंग सब भी देखने को मिलेंगी पैलियोलिथिक पीरियड की। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज 10,000 BC से 6,000 BC कॉमन एरा का जो टाइम पीरियड है वो है इस मिडिल स्टोन एज का। अब हम बात करते हैं, देखिए मेजोलिथिक जो है उसके कुछ अवशेष जो पाए गए हैं मेजोलिथिक पीरियड के, वो लालगंज गुजरात में, आदमगढ़ MP में है, कुछ प्लेस हैं राजस्थान UP बिहार के, वहाँ भी पाए गए हैं। देखिए मेजोलिथिक जो पीरियड था वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पत्थर से बने हुए औजार देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको तीर कमान जो होते हैं जिससे शिकार करते थे पहले के टाइम में, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और लोग एनिमल्स को पालते थे, हॉर्टिकल्चर करते थे, और प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड मतलब पहले की जो पद्धतियाँ होती थी खेती करने की, पुरानी पद्धतियाँ जो हैं उनका भी यूज करते थे। और कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ पाई गई हैं, बोन्स पाए गए हैं, जिनमें से जैसे डॉग को तो आपको पता है डॉग क्या होता है, डियर और बोर और ऑस्ट्रिच, उनके भी कुछ हड्डियाँ पाई गई हैं, तो आप बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। देखिए नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टेन स्टोन एज, ठीक है, 6,000 BC से 4,000 का टाइम पीरियड है इसका। और इस टाइम पे मतलब आपको एक देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी ह्यूमन कल्टीवेशन की नियोलिथिक एज में। ठीक है, कुछ साइट हैं इस टाइम पीरियड की, जैसे कश्मीर वैली है, चिरांड इन बिहार है, बेलन वैली है UP में, मस्की ब्रह्मागिरी हल्लूर ये कर्नाटका में है, और पियामपल्ली तमिलनाडु में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है। अगर आप सभी साइट याद नहीं रख पाते तो मस्की ब्रह्मगिरी हल्लूर जो है, और एक ये उतनूर है, और पियामपल्ली, एक दो साइट मतलब ट्राई कीजिए याद रखने की ये कौन कौन से स्टेट में पड़ती हैं, क्योंकि कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। ठीक है, नियोलिथिक टाइम पीरियड पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, पशुओं को पालते थे, और स्टोन पॉलिश भी करते थे, मतलब पत्थरों को पॉलिश करके भी उनके औजार बनाए जाते थे, और लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और उस टाइम पे आपको इमर्जेंस देखने को मिलेगा जो विलेज कम्युनिटी हैं बेस्ड ऑन सेडेंट्री लाइफ, मतलब ऐसी सेडेंट्री लाइफ का मतलब होता है कि जैसे लोग गांव में होता है कि एक जगह बैठ जाते हैं, आके बात करते हैं बहुत सारे लोग बैठ के, तो उसी जिंदगी को सेडेंट्री लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो उसका इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। और आपको पॉलिश्ड एक्सेस देखने को मिलेंगी, मड ब्रिक, मतलब जैसे कि मिट्टी की जो ईंटें बनाई जाती थी, कच्ची ईंट जिनको बोलते थे पहले के, आपको आज से आई थिंक 20 साल पहले भी घर में ही लोग मतलब बनाते थे ईंटों को और उन्हीं से घर बनाए जाते थे। ठीक है, 20 साल पहले की अगर बात करें तो गांव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मतलब ये सब लोग करने लगे, लेकिन इस पीरियड से पहले क्या करते थे कि जो पत्तियों से फिर घास से जो झोपड़ियाँ बनाते थे इस पीरियड से पहले, और इस पीरियड में क्या करने लगे, इस पीरियड में जो कच्ची जो ईंटें हैं उनसे घर बनाने लगे, व्हील्स का लोग यूज करने लगे पॉटरी बनाने में, मिट्टी के जो बर्तन जैसे दिए बनाते हैं। ठीक है, क्लोथ का मतलब कॉटन और वूल यूज करने लगे एज ए क्लोथ, कपड़े के रूप में बात करें तो हम। और देखिए उस टाइम में आपको लोग बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, मतलब शिप गोट कैटल, ये बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पे लोग पालते थे, हर आदमी के पास देखने को मिलेगी। और जो कैटल होती थी उसको एज ए कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट भी यूज कर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मेटल एज के बारे में। देखिए मेटल एज का जो पीरियड है वो फॉलोड बाई है चालकोलिथिक, मतलब कि कॉपर स्टोन एज। देखिए कॉपर स्टोन एज का जो पीरियड है इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर को और ब्रोंज को मतलब लोग यूज में लाने लगे, उस चीज़ का योग मतलब यूज करने लगे, और न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें स्मेल्टिंग ऑफ मेटल होने लगा, क्राफ्टिंग होने लगे मेटल्स के, आर्टिफैक्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मतलब हमारे डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी होती थी वो मेटल्स में अनेक मतलब प्रकार से बनाई जाने लगी। और आपको वहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स का मतलब इतना यूज मेटल एज जब आ गई तो कम यूज देखने को मिलेगा। और देखिए चालकोलिथिक जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा आपको मतलब ग्रो करती हुई बढ़ती हुई कहाँ पे दिखाई देगी, जो रिवर होते थे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और हरप्पन जो कल्चर है उसको भी एज ए कंसिडर्ड किया जाता है चालकोलिथिक कल्चर का पार्ट, कहा जाता है इस कल्चर को। ठीक है, अब हम कुछ साइट की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है वो देखिए आप अड़की हल्लूर है मस्की, पहले भी बात कर चुके हैं कि ये साइट कहाँ पे है, आपको साफ दिखाई दे रहा है हल्लूर और मस्की जो है कर्नाटका में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, अडिकनल्लूर तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल याद रखिए आप
इनसाइट आईएएस की एक टेस्ट सीरीज में ऐसे ही साइट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हमारा टारगेट ये रहेगा आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, हर टेस्ट सीरीज या कुछ भी हो आप मतलब बिल्कुल इतने सक्षम हो जाएं कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है गाइज, अब देखिए चालकोलिथिक जो एज है वो फॉलोड बाई मतलब बताई जाती है आयरन, आयरन जो एज है उससे, और आयरन का जिक्र आपको वेदों में भी देखने को मिलेगा। और जो सदर्न पेनिनसुला जो है आयरन एज, तो वहाँ पे मतलब वो रिलेटेड है लार्ज स्टोन से, मेगालिथ जिनको कहा जाता है। तो ये कुछ साइट हैं इनके बारे में, मतलब फेमस साइट है मेगालिथिक साइट्स, इनको आप बोल सकते हैं हल्लूर, मस्की, नागार्जुनकोंडा, अडिकनालूर। तो याद रखिए ये कहाँ पे है। उसके बाद में हम बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल युग प्रीलिम्स मेंस कहीं ना कहीं जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए ये सिविलाइजेशन इतना छोटा भी नहीं है, और मैंने इस सिविलाइजेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बहुत अच्छा इस सिविलाइजेशन की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी एक ही लेक्चर में ऐड करके एक बहुत अच्छा 8-10 मिनट का आई थिंक लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप बिल्कुल देख लीजिए, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं जैसे कोट डिजी हो गया, कालीबंगन हो गया, रोपड़ हो गया, ठीक है, बन्नावली जैसे हरियाणा में है, लोथल, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, ये गुजरात में साइट है। मैंने इससे भी एडवांस अलग साइट जो इस बुक में नहीं है वो भी मैंने ऐड की हुई है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि आपका कुछ छूटेगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा और अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो मैं नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए हरप्पन जो कल्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं। ओरिजिन और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने चारों स्टेज का यूज किया है उस लेक्चर में, जो लिंक मिलेगा आपको, कि प्री हरप्पन साइट में क्या होता था, उसकी जैसे साइट है प्री हरप्पन टाइम में, कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग हुई, जैसे बलूचिस्तान हो गया, मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदारो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से किया है, आप एक बार देखिए। उसके बाद अर्ली हरप्पन स्टेज को भी मैंने किया है, कि उसके एग्जांपल जैसे अमरी और कोदिजी हैं, वहाँ पे एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन साइट के। उसके बाद मैंने जैसे कि मेचोर जो हड़प्पा है उसके बारे में भी जिक्र किया है, लेट हरप्पन पीरियड के बारे में भी, ठीक है। फिर कुछ जैसे सीलियंट फीचर हैं हरप्पन कल्चर के, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका किसी भी एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए बेझिझक, और आप पूछ सकते हैं कुछ भी हो, या मेरे को मेल भी कर सकते हैं, नीचे आपको मेल एड्रेस भी मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई। देखिए हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई आपको पता होना चाहिए, कि देखिए ऐसा कोई सोर्स नहीं है फिलहाल कि जिसमें आपको देखने को ये मिल जाए, कि मतलब एक ऐसा प्रूफ मिल जाए कि भाई हरप्पन कल मतलब ये मेन प्रूफ है उस चीज़ का। अभी तक स्कॉलर्स बोलते हैं, बताते आए हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि भी कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो गई, जैसे बाढ़ आ गई होगी, नदियाँ सूख गई होंगी, जो फर्टिलिटी है, जैसे कि देखिए ज़्यादा अगर हम हमारी जो मिट्टी जमीन होती है उसमें खाद जो डालते हैं, यूरिया डीएपी जो होते हैं, अगर उनका ज़्यादा यूज करेंगे तो देखिए उस तरह से भी हम एक्सप्लोइट करते हैं। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे खाद और ऐसे टाइप का, लेकिन जब हम सोइल की फर्टिलिटी अगर हम ज़्यादा उसमें बार बार मतलब कम टाइम पीरियड में उसको खाली नहीं छोड़ते हैं और उसमें लगातार करते रहते हैं, तो ऐसे भी उसकी जो फर्टिलिटी, उपजाऊ जो क्षमता होती है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि भाई डिस्ट्रक्शन क्या होगा फोर्ट्स का। देखिए फोर्ट का डिस्ट्रक्शन मतलब जो फोर्ट्स है ना, किले जो होते थे, वो आपको ऋग्वेद में भी उनको मेंशन किया हुआ है। तो देखिए ये भी बताया जाता है कि कुछ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद में बताया गया है फोर्ट्स का। और फोर्ट से देखिए हम फोर्ट की यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्ट कौन बनाता था, जैसे कि कोई फॉरेन इन्वेडर हो गए, उन लोगों ने बनाए होंगे फोर्ट, या उनसे बचने के लिए कोई वहाँ पे रूलर्स होंगे, उन्होंने बनाए होंगे फोर्ट्स। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे स्कॉलर्स के अनुमान है, और वहाँ पे आपको ह्यूमन जो स्केलेटन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मोहनजोदारो में, मतलब हडल टुगेदर, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ उनकी हड्डियाँ पाई गई हैं। उससे क्या मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि भाई फॉरनर जो इन्वेडर हैं वो आए होंगे, लड़ाई हुई होगी और फिर बहुत सारे लोग मर गए होंगे। तो ऐसा भी बहुत सब कुछ मतलब अनुमान लगाए जाते हैं। तो आप ये सब, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेकिन अब हमारा जो लास्ट है इस लेक्चर का, कि जो मॉडल क्वेश्चन है हमारे, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए चालकोलिथिक जो एज है वो फॉलोड है किसके द्वारा, देखिए। और दूसरा है कि पोर्ट सिटी है हरप्पन कल्चर में क्या है, लोथल है,
अगर आपने पढ़ रखा है हरप्पन कल्चर तो आपको बिल्कुल आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हरप्पन कल्चर के बारे में जो लेसन है सेपरेट, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है तमिलनाडु में। अब आप मेरे को ये बताइए, तमिलनाडु में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो कौन सी साइट है? देखिए आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इस लेक्चर में कि वो साइट तमिलनाडु में कौन सी है। ठीक है गाइज, और एक चालकोलिथिक मतलब उसको फॉलोड बाई किसके द्वारा, मतलब फॉलोड है वो नियोलिथिक पीरियड फॉलोड बाई चालकोलिथिक, मतलब यार आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बेझिझक आप बिल्कुल आराम से अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और सारी चीज़ें लिंक आपको मिलेगा हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कोई आपको दिक्कत वाली बात अगर फिर भी आपको कुछ फील होता है तो आप मेरे को कमेंट करते हैं, जो सुझाव आपके हैं वो सुझाव दे सकते हैं। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए लेसन के लिए, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।